गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा सिसोदिया। तो आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल नेहा सिसोदिया में। तो गाइज, आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ इवनिंग से। आप देख रहे हो यहाँ पे रात हो गई है, यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। वेल अभी टाइम हुआ है 6:30 बजे और यहाँ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो आज मैं बनाऊँगी यमी इडली सांभर। वेल मैं रिया के लिए आज बनाने वाली हूँ इडली सांभर, क्योंकि वो कल जाने वाली है। तो मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी, बट आज ही बना लेते क्योंकि वो कल चली जाएगी वापस। तो आपको रिया से भी मैं मिलवाऊंगी। तो अभी मैं अपनी दाल भिगो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। वेल दाल वॉश कर लेती हूँ, फिर मेरे को दाल भी बनाना है, लाइक सांभर बनाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अरहर की दाल, और इसको मैंने भिगो लिया है, धो भी लिया है। एक दो बार मैं और वॉश कर लेती हूँ इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सांभर के लिए पानी बॉईल कर लेती हूँ दाल बनाने के लिए। और ये रही मेरी अरहर की दाल, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तब मैं इसके अंदर अरहर की दाल डालूंगी। गाइस मीट रिया, हेलो बोलो। हेलो ये इसको तो आप पहचानते ही होगे। तो ये रिया कल जाने वाली है, तो मैंने सोचा कि आज रिया के लिए इडली सांभर बनाया जाए। तो ये मेरी क्या लगी, ननद लगी ना। हाँ, मैं एक बार भांजी सोच रही थी, तो मैं इसकी भाभी लगती हूँ। और शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। थैंक यू। बॉयल हो गई है और इसके अंदर अभी मैंने कोई भी मसाला नहीं मिला है, और मैंने इसमें इडली का पानी भी ऐड कर दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। थोड़ा सा रुको ना। अच्छा रिया से भी पूछती हूँ, रिया कैसी बनी? बहुत टेस्टी है। सीरियसली झूठ तो नहीं बोल रही हो? बहुत अच्छा। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।